दिल्ली के बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के कारण मरने वाले कोरोना मरीजों की संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई है। अस्पताल ने बताया कि मरने वालों में अस्पताल के सीनियर डॉक्टर आर के हिमाथानी भी शामिल हैं। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल के MD डॉक्टर SCL गुप्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट में ऑक्सीजन की कमी पर सुनवाई के दौरान बताया था कि 8 कोरोना मरीजों की जान ऑक्सीजन की कमी से जा चुकी है। हमारे अस्पताल में दोपहर 12 बजे ऑक्सीजन खत्म हो गया और हमें ऑक्सीजन 1:30 बजे मिला। हमने लगभग 1 घंटे का वक्त बिना ऑक्सीजन के बिताया। अस्पताल ने कोर्ट को बताया कि ऑक्सीजन सप्लायर्स दिल्ली सरकार के अधिकारियों और अस्पतालों के प्रतिनिधियों के व्हाट्सएप ग्रुप में जब हमने ऑक्सीजन के लिए रिक्वेस्ट की तो हमें एक जवाब मिला, वो था अभी डिस्टर्ब ना करें। बत्रा अस्पताल ने एक SOS मैसेज में बताया था कि उनके पास केवल 10 मिनट का ऑक्सीजन बचा है और अस्पताल में 326 मरीज हैं। बाद में दिल्ली सरकार के मंत्री राघव चड्ढा ने बताया कि ऑक्सीजन की गाड़ी 5 मिनट में बत्रा पहुंच रही है। जब अस्पताल में ऑक्सीजन पहुंची तब तक अस्पताल के मुताबिक 8 लोगों की जान जा चुकी थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने बत्रा अस्पताल के MD से कहा कि आपको शांत रहने की जरूरत है, आपके लिए गुस्सा सही नहीं है, आप डॉक्टर हैं, अगर आप भी कंट्रोल खोएंगे तो बाकी लोगों का क्या होगा, सभी लोग सप्लाई चेन की बेहतरी के काम में जुटे हुए हैं। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि जल्दी ही बत्रा अस्पताल की मदद करे। ऑक्सीजन की कमी पर दिल्ली हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने कहा कि सरकार राजधानी में बेड्स की संख्या 1,50,000 तक बढ़ाने जा रही है। हम 15,000 अतिरिक्त बेड लगा रहे हैं लेकिन हमारे पास इन बेड्स के लिए ऑक्सीजन की सुविधा नहीं है। इस पर कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि दिल्ली सरकार ने अब तक आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की मदद के लिए रिक्वेस्ट क्यों नहीं की। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के सभी अस्पतालों से 1 अप्रैल के बाद भर्ती हुए कोरोना मरीजों की पूरी जानकारी मांगी है। कोर्ट ने कहा है इस जानकारी में मरीज के अस्पताल में भर्ती होने और डिस्चार्ज होने के बीच अस्पताल में बेड की स्थिति का ब्यौरा होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अस्पतालों को महामारी में अपने अनुभवों से सीखना चाहिए और खुद के ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने चाहिए। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी ओम ने। आप सभी जानते हैं कि हमारा देश फिलहाल कोरोना वायरस की वजह से बहुत ही बुरे हालातों का सामना कर रहा है। आप सब भी सुरक्षित रहिए, घर के बाहर सिर्फ तभी निकलिए जब बहुत ज़रूरी हो, और जब भी अपने घर के बाहर निकलें तो प्लीज़ अपना मास्क ज़रूर पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कीजिए और सैनिटाइजर्स का यूज़ कीजिए। और हाँ, अगर आप कोरोना वायरस से रिकवर कर गए हैं तो प्लीज़ प्लाज्मा डोनेट कीजिए। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।